हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक दोहा बताया था सूरदास का। सूरदास के दोहे को मैंने आपको भावार्थ के साथ बताई थी। उसमें अब कुछ बच्चों ने पूछा था कि उसकी भाषा क्या है, तो सूरदास की कविताएँ हर लगभग कविता ब्रज भाषा में है। एक ही तो अवधि में है, नहीं तो सभी ब्रज भाषा में है। और उनकी शैली कभी गीत शैली भी थी तो कभी मुक्तक शैली भी। तो जो आपके पास कविता थी वह गीत शैली में है। आज आपको मैं आपके गद्यांश यानी कि गद्य भाग का पहला पाठ बताना जा रही हूँ, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। लेखक ने अपनी इस कविता में ग्रामीण अंचलों का बखूबी वर्णन किया है। इनकी भाषा बिल्कुल ही ग्रामीण है, देसी है और उसमें अपनापन झलकता है। उनकी कहानी ऐसे लग रही है जैसे वो बोल पड़ेगी। वह अपनात्व को जोड़ती हुई कहानी है। इनकी कहानी हर कहानी का हर भाग दिल को छूने वाला है। यहाँ पर भी लेखक ने एक ऐसे ही कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसका नाम नेताजी का चश्मा। नेताजी का मतलब है एक खास व्यक्ति जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस है। तो क्या है यह सुभाष चंद्र बोस के चश्मे की कहानी, तो बताती हूँ मैं आपको। एक हवालदार साहब थे जो कंपनी में काम किया करते थे और उनका काम था हर समय हर 15 दिन पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर जांच पड़ताल करना। हवालदार साहब अक्सर एक कस्बे से होकर गुजरा करते थे। कस्बे पर, कस्बा मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो शहर के नज़दीक और गांव के बीच में हो, जो शहर और गांव के बीच में हो, जहाँ कुछ कच्चे घर, कुछ पक्के घर, कुछ छोटा बाजार, तो कुछ दुकानें, स्कूल, ये सब हो, इसलिए उसे कस्बा कहा जाता है। तो हवालदार साहब भी इसी तरह से एक कस्बे से होकर गुजरा करते थे। उस कस्बे के चौराहे पर एक मूर्ति थी, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। मूर्ति देखकर ऐसा लगता था कि जल्दीबाजी में बना दी गई हो मूर्ति, क्योंकि उसकी फिनिशिंग थोड़ी कम थी। लेकिन देखकर मूर्ति को एहसास होता था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मन में एक जोश भरने वाली भावना उस मूर्ति को देखकर जरूर प्रकट होती थी। पता लगाने पर हवालदार साहब को मालूम चला कि जल्दीबाजी में और कागजी का काम को अंजाम देने के लिए अफसरों ने स्कूल, गांव के ही एक स्कूल के ड्राइंग मास्टर से, जिनका नाम मोतीलाल था, उनसे वह उन्होंने मूर्ति बनवाई थी। अब हवालदार साहब जब भी उधर से गुजरते तो कस्बे के इस चौराहे पर जरूर रुकते। वहीं एक चौराहे पर ही एक पान की दुकान थी जहां वह रुक कर पान खाते और मूर्ति को देखकर अभिनंदन करते चले जाते। पर एक बार उन्हें जब आज उस कस्बे से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें मूर्ति के आंखों पर पड़ा चश्मा में परिवर्तन दिखा। उन्हें आश्चर्य लगा कि यह चौकोर फ्रेम वाला चश्मा था या गोल फ्रेम कैसे हो गया। पर वह किसी से पूछ नहीं पाए। अब जब भी उधर से गुजरते तब उनको हर बार चश्मे बदला नजर आता, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी गोगल्स, हर बार परिवर्तन, कभी स्टील फ्रेम, कभी गोल्डन फ्रेम, कभी प्लास्टिक फ्रेम, हमेशा बदला। अब यह बदलाव हवालदार साहब को जिज्ञासु बना दिया, उत्सुकता से बढ़ गए कि आखिर क्या बात है कि चश्मा नेताजी की मूर्ति पर हमेशा बदल जाता है। मालूम करने पर पता चला कि जल्दीबाजी
मूर्तिकार ने या तो फ्रेम बनाना भूल गया या फ्रेम बनाते समय बारीकी करने पर फ्रेम टूट गया, इसलिए स्थानीय लोगों ने ओरिजिनल चश्मा का फ्रेम मूर्ति पर लगा दिया, जिससे यह भाव पता चलती है कि लोगों के अंदर नेताजी के प्रति आदर भाव है और उनका मान सम्मान देकर हल्दार साहब का मन भी प्रफुल्लित हो गया। बार बार चश्मे का बदला जाना, फ्रेम का बदला जाना हल्दार साहब को उत्सुकता को बढ़ाता गया। तब आखिरकार उन्होंने पान वाले से पूछ ही बैठा कि आखिर बताओ भाई, क्या बात है कि मूर्ति पर से हमेशा फ्रेम बदल जाता है, चश्मे का फ्रेम बदल जाता है। पान वाला छोटे और मोटे कद का व्यक्ति था, वो हमेशा पान चबाता रहता था और जब भी वो हंसता तो उसकी बत्ती सी लाल पीली बत्ती सी दिखती और उसका तोंद थिरक उठता। वह हंसते हुए हल्दार साहब को बताया कि कैप्टन है चश्मे वाला मूर्ति पर का चश्मा बदल देता है। हल्दार साहब को कैप्टन चश्मे वाले के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान की भावना जगी कि इस युग में भी लोग किसी भी क्रांतिकारी को, इस भक्त को आदर सम्मान करते हैं। यह देखकर उनका मन श्रद्धा से भर गया। हल्दार साहब और भी कुछ जानना चाहते थे कि यह कैप्टन चश्मे वाला कौन है। तब पान वाले ने बताया कि वह देखो सामने से ही तो कैप्टन चश्मे वाला आ रहा है, तुम खुद पूछ लो, क्योंकि पान वाले के पास ग्राहक आ चुके थे जिसे वह पान बनाकर खिलाने में व्यस्त हो गया। लेखक ने हल्दार साहब के मन की भावना को प्रकट किया। हल्दार साहब सोचा करते थे कि कैप्टन चश्मे वाला कोई हट्टा कट्टा मोटा ताजा फौजी आदमी होगा जो या तो युद्ध में उनके सेना में शामिल हुआ होगा या नेताजी का कोई अनुयायी होगा। पर जब देखा, पान वाले के कहने पर जब लेखक ने देखा, हल्दार साहब ने देखा, तो देखकर अवाक रह गए, क्योंकि जो सामने से व्यक्ति आ रहा था वो एक मरियल सा बूढ़ा सा व्यक्ति था। हाथ में छोटा सा संदूक चिरिया हुआ था और यह एक फ्रेम लटकाने वाला, जिसमें का फ्रेम लटकाने वाला एक लकड़ी लिया हुआ था जिसमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियां लगी हुई थी, लकड़ियों पर चश्मे लटके हुए थे। वह आया और एक दुकान के सहारे वह अपना दुकान शुरू कर दिया। कब यह हवलदार साहब जो अभी तक क्या सोचा करते थे कि कैप्टन चश्मे वाला नहीं कोई चश्मे का दुकान वाला होगा जो चश्मे को बार बार लगा करके अपना श्रद्धा प्रकट करता होगा, पर यह क्या, यह तो मरियल सा बूढ़ा बैठी था। इसका नेताजी के प्रति इतनी अपार श्रद्धा, यह देखकर हल्दार साहब नतमस्तक हो गए। होता यह था कि चश्मा बदलने का कारण यह होता था कि जब भी किसी व्यक्ति को बोल चश्मा चाहे जरूरत पड़ती और वह चश्मे का फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर होती तो वह कैप्टन चश्मे वाला झटपट मूर्ति से फ्रेम निकाल कर उस व्यक्ति को दे देता, फिर उसकी जगह पर दूसरा लगा देता। यह सब आइडिया देखकर हल्दार साहब मन ही मन हंस पड़े कि वाह क्या बात है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे बदलती है। लेकिन फिर ही साथ ही लोगों की श्रद्धा भाव, उस व्यक्ति के श्रद्धा भाव ने उन्हें और भी मान सम्मान के लिए वो प्रेरित किया। यह सिलसिला कई सालों तक चला, पर एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। वह जानना चाहते थे लेकिन पान की दुकान बंद थी और जब फिर वह अगली बार आए फिर मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं थी और यह कई बार उन्होंने देखा मूर्ति बिना चश्मे की थी। तब वह पान वाले से
पूछ बैठे, क्या बात है भाई, मूर्ति बिना चश्मे का क्यों है? तब आंखों में आंसू भरकर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। कैप्टन के मरने के बाद से अब कौन बचा है जो मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा सके? यह देखकर बहुत आत्मग्लानी हुई हल्दार साहब कि क्या इस देश में देशभक्तों की, आदर करने वालों की कमी हो गई है? क्या लोग देशभक्तों को मान सम्मान नहीं देते जो अपना सारा जीवन देश के लिए कुर्बान कर देते हैं? क्या उनके लिए थोड़ी सी भी जगह किसी के हृदय में नहीं? यह सोचकर वह बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए और उन्होंने ठान ली कि अब जब भी इस कस्बे से गुजरेंगे वह मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, यदि वो देखेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। यह सोचकर उन्होंने अपने ड्राइवर को भी हिदायत दे दी कि वह कभी भी उस कस्बे के चौक पर नहीं रुके। और इस तरह से एक बार जब ही उसी कस्बे से होकर हल्दार साहब गुजर रहे थे तो ड्राइवर को उन्होंने पहले ही मना कर रखा था कि कस्बे पर मत रुकना, इसलिए ड्राइवर जो था अपने गति से जीप लिए जा रहा था। लेकिन जो बरसों से काम बन चुका था, एक सगल बन चुकी थी, वह कैसे मिटते? हल्दार साहब मूर्ति को बिना देखे नहीं रह सके। तब उन्होंने तिरछी नज़रों से जब मूर्ति को देखा तो मूर्ति की आंखों को उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा। यह देखकर वह इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गए कि ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी गति में थी, गाड़ी रुकते ना रुकते हल्दार साहब कूद पड़े, चलती जीप से कूद पड़े और मूर्ति के सामने अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए। और उनका मन यह कहने लगा कि नहीं, दुनिया कितना भी बदल जाए लोग अपने देशभक्तों का मान सम्मान करना नहीं छोड़ते। शायद किसी छोटे बच्चे ने मूर्ति को बिना चश्मे का देखा था और उसने लड़कपन में ही सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति को लगा दिया। इस तरह से यह कहानी हमें यही बताता है कि चाहे युग बदल जाए, लोग बदल जाए, मीडिया बदल जाए, लेकिन हमारे देश से देशभक्तों का आदर मान सम्मान करना नहीं छूटेगा। हमारा देश अभी भी अपने देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान रखता है। इस तरह से मैंने आपको यह कहानी बताई। इस कहानी का गद्यांश के रूप में मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल रही हूँ, जिसका उत्तर प्रश्नोत्तर आपको करना है। और जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा वो हमसे